तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नोएडा से खबर है कि डीएमडी बॉर्डर पर फिर से भीषण जाम लगा है। डीएमडी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। डीएमडी पर लंबा जाम लगा है, दिल्ली से आ रहे लोगों को नहीं दी जा रही है एंट्री और लोगों को बिना परमिशन के नहीं दी जा रही है एंट्री, यही वजह है जाम की। बिना पास वालों को भेजा जा रहा है वापस। दिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए अभी भी बॉर्डर सील है। तो डीएमडी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। जिनके पास पास है, ई पास है, वही सिर्फ जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी को वहीं पर रोक दिया जा रहा है। तो बिना पास वालों को नहीं भेजा जा रहा, ये तस्वीर डीएनडी की हम आपको दिखा रही हैं। और यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है, इसके बावजूद भी दिल्ली से आ रहे लोगों को परेशान इस पूरे वाक्य से होना पड़ रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम है, सिर्फ पास वालों को ही एंट्री है। इसके अलावा जो जिनके पास पास नहीं है उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। विनायक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, डीएनडी के क्या स्थिति फिलहाल है, जानकारी दीजिए। 2 किलोमीटर से लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग दिल्ली से नोएडा की साइड आना चाह रहे हैं उनको नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। जिनके पास पास है उन्हीं लोगों को जो है नोएडा के अंदर में एंट्री दी जा रही है, और साफ तौर पर जिनके पास पास नहीं है उनको वापस दिल्ली भेज दिया जा रहा है। और उनसे कहा जा रहा है अगर आपके पास पास नहीं है तो आप नोएडा में नहीं जा सकते, आप पहले पास बनवाइए उसके बाद ही आप नोएडा में आ सकते हैं। जी, अभी वहां पर जो लोग चेकिंग कर रहे हैं उन लोगों से क्या आपकी बातचीत हुई, क्योंकि बिना पास वालों को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन साथ ही साथ एक लंबा जाम यहां पर है, इस जाम को खुलवाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। फिर क्या स्थिति वहां पर है और क्या उनके पास अभी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको? जी, उनसे बात हुई थी, जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली की तरफ से कल आदेश हुए थे कि दिल्ली बॉर्डरों को खोल दिया गया है, पर जो नोएडा का जिला प्रशासन है उनकी तरफ से जो नोएडा के अंदर आएंगे उन वहां पे चेकिंग की जाएगी और बिना पास वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं बात करें अगर कोई नोएडा से दिल्ली की साइड जाना चाहे तो वो आराम से जा सकता है, वहां पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है। खाली जो दिल्ली से नोएडा आना चाह रहे हैं उस लेंथ पे चेकिंग की जा रही है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि पिक ओवर जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से लोग बिना पास के जो है यहाँ नोएडा में आने के लिए हैं, इसलिए वो उनको वापस भेजा जा रहा है और जाम की स्थिति बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर डीएनडी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक लंबा जाम देखा